मैं सब पीपल को बोल रहे हैं लोगों, मेरा फेस लोगों को मेरा फेस मत देखो, पार्टी मत देखो, हमारा विचार देखो, हमारा मैनिफेस्टो देखो, आप विचार करो, ये अच्छा है तो हमको सपोर्ट, नहीं तो नहीं सपोर्ट करो। इफ यू वांट आप वो सिस्टम चाहिए तो वो सिस्टम के सपोर्ट करो। संविधान में परिच्छेद 84 ख और ग में लिखा है, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल पूरी हो गई, ऐसे व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जिसकी उम्र 30 साल हो गई, ऐसे व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा संविधान कर रहा है, समूहों को परमिशन नहीं है। यह जो पक्ष पार्टी ने संविधान बोल रहा है व्यक्ति समूह 1952 में पहला इलेक्शन हो गया, उस टाइम पर 6-7 पार्टी थी। पहले कांग्रेस वालों ने डिक्लेयर किया इलेक्शन, फिर दूसरा ने किया, तीसरा ने किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन लेना था वो नहीं लिया। 1952 से लेकर आज तक ये संविधान विरोधी इलेक्शन है। मैं 6 साल से लड़ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के साथ, मेरा 4 मीटिंग हो गया है भारत के इलेक्शन का। मैं उनको पूछता कि पक्ष पार्टी का नाम नहीं तो आप इजाजत देते किसे, वो बोलते आज कुछ नहीं कर सकते हम। अभी लास्ट मीटिंग में मैंने पूछा पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है तो ये चिन्ह कहाँ से आया, चिन्ह पंजाब हाथी कमल कहाँ से आया, इसको हटाओ। आज नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, ग्रेट बोलते, आज नहीं हटा सकते हम। अभी एक काम किया इलेक्शन कमीशन, उम्मीदवार का नाम और फोटो डाल दिया, नाम और फोटो, ये 1952 में आना था, सिर्फ नाम और फोटो, चिन्ह की जरूरत नहीं, चिन्ह की जरूरत नहीं है। चिन्ह के कारण समूह बन गया, समूह बन गया, अंदर भी समूह हो गया, बाहर भी समूह, समूह बनने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, समूह के कारण गुंडागर्दी बढ़ गई, समूह के कारण लूट बढ़ गई, समूह के कारण दहशत बढ़ गया, समूह के कारण जाति पाति धर्म वंश का जहर फैल गया। सही सही है, और अगर संविधान के मुताबिक व्यक्ति जाता तो देश की हालत नहीं होना था, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा, बहुत मैं वो भी बोल रहा है, विचार करना, व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका विचार को रेस्पेक्ट करना। अभी दो रास्ता है, एक तो इलेक्शन कमीशन को चिन्ह हटाने के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा देश में, एक नहीं तो वोटर को जगाना पड़ेगा। ये चाबी वोटर के हाथ में है ना, वोटर ने अगर दिल में लाया, मैं वो भी बोल रहे हैं अभी पार्टी करके वो बोल रहे हैं, पार्टी व्यक्ति कुछ भी नहीं, विचार करो, विचार करके करो, ऐसा बोल। तो अभी व्यक्ति है ना, इसके हाथ में चाबी है लेकिन वो चाबी लगाना भूल गया, इसलिए 500 रुपये लेता वोटिंग करता है, भूल गया चाबी लगाना। उसको अगर जगा दिया तब देश में वोटर जग जाएगा, और उसने चाबी लगा दिया कि मैं भारत माँ की कसम लेकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मैं किसी पक्ष और पार्टी का गुंडा भ्रष्ट व्यभिचारी लुटारू ऐसे उम्मीदवार को मेरा वोट नहीं दूंगा। किसको दूंगा, जो जनता का उम्मीदवार है उसको वोट दूंगा। ये जागृति अगर ये चाबी लग गई तो ये पक्ष और पार्टी तंत्र ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा और लोकतंत्र आएगा देश में, पहचान बढ़ेगा, सच्चा लोक, सच्चा लोकतंत्र नहीं लोक सहभाग से चला हुआ, जो आप सोचते हैं ना लोक सहभाग वो आ जाएगा। जिन्होंने कुर्बानी की 1857 से 1947, इतनी बड़ी कुर्बानी हुई लाखों लोग, उनका सपना क्या था, अंग्रेज को इधर से निकालना और देश में लोकतंत्र लाना। अंग्रेज तो चला गया, अंग्रेज ही नहीं चला, लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं आया, यह लोकतंत्र नहीं आया। क्यों, ये पक्ष और पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र को आने नहीं दिया देश में, मतलब
ये किसी को पता नहीं है और ये बोल रहा हूँ मैं, ये पक्ष और पार्टी के कारण ये देश बर्बाद हो गया। संविधान पक्ष पार्टी को मान्यता नहीं देता कि लखपति बने नहीं करोड़पति बने, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, समाज और देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे रहते हैं। इतिहास है हमारा, ये एग्जांपल है हमारे देश का जरूर। इसलिए आपकी सोच अच्छा है, आप करो।